नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको लेके जाएंगे शूलिनी मेले में, जो हर साल सोलन में 24 से 26 जून तक ऑर्गेनाइज किया जाता है। दो साल से ये मेला नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, लेकिन इस बार लोगों में काफी उत्साह देखा गया और काफी धूमधाम से इस मेले को ऑर्गेनाइज किया गया था। सोलन के लोगों में हर साल इस मेले को लेके काफी बेसब्री से इंतजार रहता है, और रहे भी क्यों ना, ये मेला होता इतना खास है और बहुत सारे लोग श्रद्धालु इस मेले में दूर दूर से पहुंचते हैं। तो आइए जानते हैं माँ का नाम शूलिनी कैसे पड़ा। माँ शूलिनी को भगवान शिव की शक्ति भी माना जाता है। जब महिषासुर के अत्याचारों से सब लोग ऋषि मुनि तंग आ गए, तो भगवान शिव और विष्णु के पास सहायता के लिए गए। ऐसा कहा जाता है, महादेव ने एक त्रिशूल माँ दुर्गा को भेंट किया, जिसकी वजह से माँ का नाम शूलिनी पड़ा, और इसी त्रिशूल से माँ ने महिषासुर का वध किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु इस मंदिर में कुछ मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मेले के जरिए माँ अपने शहर के भ्रमण पर निकलती हैं और दो दिन तक अपनी बहन के पास रुकने के बाद अपने स्थान पर वापस आ जाती हैं। तीन दिन के इस मेले में लोगों द्वारा जगह जगह पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। ये आदमी, ये देखना, ये एक और प्लेट लेके आ रहा है, इसने अभी अभी एक प्लेट खाई। क्या रहा है ये? क्या है ये? ये कड़ी चावल है। क्यों खा रहे हो? कितना खाते हो? क्या पहली प्लेट है ये? अच्छा, आपने पहले भी एक खाया है? तो यहाँ पे ये भंडारा लगे है, सो हम यहाँ पे रुके हैं, और यहाँ पे ये कड़ी चावल बन रखा है यहाँ पे, बहुत ही यम्मी। और मेले में आपको बहुत सारे लोकल वेंडर्स दिख जाएंगे, जो कि अपना सामान काफी रीजनेबल प्राइस पे बेच रहे होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे स्टॉल्स ऐसे भी लगे होते हैं जो कि गेम्स खिलवाते हैं, विच इज अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये कितने के निशाने हैं? 20 की 10? 20 की 10? बड़े वाली दो, बंदा नहीं मरता, जिससे वो वाली है बंदे मारने वाली। तो देखते हैं पाल शर्मा फूके फोड़ पाती है या नहीं। दूसरा निशाना, अबे तू रहन दे, 30 रुपए खराब किए भैया, ले लेना दो गोलियां के जितने पैसे हुए। ये वाला तीसरा नंबर में लगा। निशाने तेरे तो एक भी नहीं लगा। ओए मैंने दो खोले। कितने में से? ये क्या कर रही है? पानी पीने के बिना वैसे मेला अधूरा है। तो यहाँ पे भी मेले में आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी और पकौड़े बनते हुए आपको दिख जाएंगे। चले आओ, गरम पे ताजे पे, गरम पे ताजे पे, गरम जलेबी, गरम पकौड़ा। भाई भैया माथे पे भी लिख देते हैं आप? यहाँ पे लिखना यार, पान के माथे पे लिखना है। तो पारुल का 11वां लंगर है जो आज पहाड़ दिया इसने, वो भी आलू आलू ही? आलू चने और पूरी। तो पाल कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत अच्छा। कितना? मुझे लगा मालपुर हो। तो पाल कितना क्राउड आया हुआ है आज यहाँ पे ना, कितने ज्यादा भंडारे लग रहे हैं। सैटरडे संडे ना, तो मोस्टली छुट्टी होती है। हाँ, आज तो फिर कम है, कल देखना। अभी कल लास्ट डे है, मतलब भंडारे का, मतलब मेले का, तो है ना, और संडे है ऊपर, ऊपर से संडे है। तो चलो सवाल लेके क्या किया? छापे वाली मैंने लगवाई, बचपन में लगवाती थी ना। दोस्तों, मेला जो है ना, बगैर झूलों के और बगैर लोगों के अधूरा होता है, ऐसी ही बात इस मेले की है। और आप देख सकते हैं कि कितने लोग आ चुके हैं अभी मेले में, आप देख सकते हो कितना, मतलब पब्लिक है, झूले झूल रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं और मेले के मजे ले। इसका कैसा आप किताब अगे? 50 का 10 है, इनको डालना होगा। तो पर ट्राई करना चाहती है, 50 रुपये और ठुकाना चाहती है? यार ये गैम्बलिंग जैसा नहीं है। मेला होगी टाई टाई फिश, तीन हो गए तेरे। तो पारुल क्या लगता है कितनी धनराशि हम जीत के लेके जाएंगे? 100 जीत तो गया, मुझे पता है। कितनी धनराशि चाहिए? 100 रुपए। यार इतना कैसे जीत सकते हो आप? हाउ यू कैन? आप कौन है, हैं? से बात करना चाहते हैं? तो फाइनली यहाँ पे रात को होता है अपना गाना बजाने वाला शो,
रात को यहाँ पे आए थे हंसराज रघुवंशी। तो आज यहाँ पे आ रहा है काका सिंगर जो है, और साथ में है कुलदीप शर्मा और कुछ अपने देसी कलाकार भी हैं, वो भी आएंगे। और भाई भीड़ देखो यहाँ पे लोकल, वहाँ पे कुछ छुट्टी चल रही है, वहाँ पे भी चलते हैं अभी। कुछ इस तरह से आज अपना जो सोलन फेयर है कुछ इस तरह से निकल रहा है, लोग फुल इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी। मतलब 2 सालों के बाद तकरीबन ये मेला जो है वो शुरू हुआ है ना, 2 सालों के बाद हुआ है चालू, क्योंकि पिछले लास्ट साल यहाँ पे लॉकडाउन लग गया था, कोविड था, कोविड के कारण हुआ नहीं था। और आप लोगों को पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। तो बारुल को लग रहा है डर यहाँ इस बड़े 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 झूले का। कैसा लग रहा है, डर लग रहा है कि नहीं? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नीचे देख कैसा लग रहा है, तेरे सांस सूख सूख रहे, मेरे को लग रहा है सांस भी सूख रहे हैं। वरुण की सांस देख, वरुण का सांस। अगर आप खाने पीने का शौकीन हैं और मेले में घूमते घूमते थक गए हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे थे जहाँ पे आके आप डिफरेंट तरह का फूड एंजॉय कर सकते हो, लाइक सिड्डू, राजस्थानी फूड, डोसा और काफ़ी सारे जूस स्टॉल्स भी थे। आप अभी जो आप ग्राउंड देख रहे हैं यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग टाइम पे कुश्ती कराई जाती है और अच्छा खासा उनको इनाम मिलता है कुश्ती जीतने के ऊपर। और साथ के साथ ही इस मेले में कबड्डी के मैच का भी आयोजन करवाया गया जिसमें बढ़ चढ़ के टीमों ने हिस्सा लिया और जीतने वाले को अच्छा खासा इनाम मिला।
पारुल को मिल गई अपनी शॉप। पारुल क्या लेने आई है यहाँ पे? हैं? क्या चीज़? क्रॉकरी। अच्छा किसका?